तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ द विलेजर्स विलेज विलेजेस आर गेटिंग डिसपेयर एंड दे आर गेटिंग डिस्ट्रक्टेड बिकॉज रिच लोग इन लैंड्स को इन रूरल एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हाउ विलेजेस का जो पिक्चर है वो काफ़ी कम होता जा रहा है काफ़ी लो होता जा रहा है सो दे आर दे आर जस्ट गेटिंग डिसपियर्ड एंड डिस्ट्रॉक्टेड ठीक है and this particular poem is taken it is an excerpt from this big one and ye part dedicated hai unki school master ko yani ki unke teacher ko so so like I said this is a nostalgia about villages ये villages के बारे में एक nostalgia kind of है basically ये speaker का hometown है शायद हो सकता है कि ये speaker का hometown हो और ये अपनी एक टीचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ही इज़ ट्राइंग टू यू नो डेडिकेट दिस इंटायर पोएम टू हिज टीचर और उनसे पता चलता है उस पोए इस पोएम से पता चलता है कि वो अपने टीचर को कितना मिस करते हैं ठीक है ना लगता है कि ये अपने उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम था थॉमस बर्न राइट जो कि एक स्ट्रिक्ट थे लेकिन हाँ एट द सेम टाइम ही वॉज काइंड हार्टेड मैन तो उस टीचर के बारे में ये पूरी पोएम डेडिकेटेड है सो लेट्स बिगिन दिस पोएम इस पोएम में हम मीनिंग्स करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इट्स अ फेयरली डिफिकल्ट पोएम इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्लस इसकी हम जो आर्काइक लैंग्वेज है जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंडा चार वर्सेस uh, का एक स्टैंडा है तो लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट स्टैंडा कहता है बिसाइड्स फेंस दैट स्कर्ट्स द वे विद ब्लॉसम्ड फर्ज अंड्रॉफिटेबली गे देयर इन हिज नॉइज ई मैंशन स्किल्ड टू रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल इस पर्टिकुलर स्टैंडा में कहा है स्कूल की लोकेशन के बारे में कि कैसे स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है वो कहता है कि स्कूल जो है वो एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है कहाँ पर एक अव्यवस्थित एक टेढ़ा मेढ़ा सा क्रूप सा फेंस है इसके किनारे पर स्कूल जो है लोकेटेड है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनमें से अच्छी खुशबू आ रही है पीले रंग के फ्लावर्स हैं खिले हुए हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्यों क्योंकि नोबड़ी इज़ लुकिंग एट दैम नो बडी इज अप्रिशिएटिंग दैम कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा अनप्रॉफिटेबली गे हैं मतलब है तो अच्छी खुशी का एक एविडेंस uh, है बट देर देर इज़ नो बडी टू अप्रीशियेट दैम देर इन नॉइज ई मैंशन स्किल टू रूल द विलेज मास्टर टॉट टॉर्च लिटल स्कूल तो विलेज को उस उसके स्कूल को एक डिस्क्राइब दिस, किया गया है कि नॉइजी बहुत शोर करने वाला एक हवेली एक मैंशन है जो कि स्कूल के स्कूल के मास्टर के रूल्स को सुनता है और उनको अप्लाई करता है और वहीं पर मेरे हेड मास्टर मेरे विलेज मास्टर मेरे टीचर इस स्कूल में पढ़ाते हैं आप देख सकते हो कि राइम स्कीम क्या है वे 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 गे रूल स्कूल सो राइम स्कीम इज ए ए बी बी ठीक है तो यहाँ पर अब हम देखते हैं पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं पहली पोइटिक डिवाइसेस डिवाइस हैं एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब है दो ऑपोजिट को एक साथ रख कर कुछ ऐसा रियलिटी क्रिएट करना जो कि थोड़ा इमोशनल टच डाल दे ठीक है तो इसमें पहली इमोशनल टच uh, डाला है इन्होंने नॉइजी मैंशन को कंपेयर किया गया है लिटिल स्कूल से पहले तो उन्होंने कहा कि ये शोरगुल करने वाली हवेली की तरह है ठीक है और फिर उसको कह दिया लिटिल स्कूल तो ये दोनों ही आपस में ऑपोजिट हैं इसलिए हम इसको कहेंगे एंटीथीसिस ठीक है दूसरी बात आ जाती है इसमें आयरनी हाउ आयरनी आयरनी इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने फूल खिले हुए हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है नॉइजी मैंशन है लेकिन तब भी एक लिटिल स्कूल है तो इतना अच्छा होने के बावजूद देर इज देर इज़ नथिंग That is very pleasant about that village, right? So, he's talking about a very tiny school, but at the same time, he's also saying that it is a noisy mansion, right? So, these things, and there are a lot of flowers, but still, there is nobody to appreciate the flowers. Thus, we can say that there is irony coming up in this stanza. फिर हम देखते हैं इमेजरी इमेजरी डेफिनेटली पूरी पोयम में ही है इमेजरी का मतलब जब भी आप कोई रीड करते हैं लाइन एंड देन एन इमेज कम्स इन टू योर माइंड दैट्स कॉल्ड इमेजरी तो आप स्ट्रैगलिंग फेंस की बात करो स्कर्ट्स द वे की बात करो स्कर्ट्स द वे मतलब उसके किनारे पे है तो टूटा फूटा फेंसिंग हो रखी है फ्लावर्स खिले हुए हैं तो डेफिनेटली इट्स क्रिएटिंग अ पिक्चर इन योर माइंड सो इट इज़ इमेजरी मेटाफर कैसे है मेटाफर ऐसे है कि मैंशन कहा गया है स्कूल को हवेली कहा गया है स्कूल को तो इट इज़ अ मेटाफर नेक्स्ट आंसर इज अ मैन सिवियर ही वॉज एंड टू व्यू आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ट्रॉन्ट नो न्यू वेल हैड द बोर्डिंग ट्रेम्बलर्स लर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर्स इन इज मॉर्निंग फेस दिस पैराग्राफ एक्चुअली दिस टाइजर एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि उनकी टीचर की पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रिक्ट और सीरियस थी वो बहुत गंभीर आदमी था कठोर भी था देखने में और मैं उन्हें अच्छे से जानता था लेकिन कोई भी लड़का जो स्कूल से भाग जाता था बंक कर देता था स्कूल को बेकार घूमने वाला था लड़का उसको पता था उसको पता था कि कितना टफ़ है उस आदमी को देखना कितना टफ़ आदमी था वो तो टीचर के चेहरे को देखकर बच्चे पहचान जाते थे उनका मूड कैसा है ठीक है आज कैसा दिन गुजरने वाला है तो भविष्य कथन करना वो उनको पता चल जाता था उनके फेस को देखते ही और पूरे दिन में क्या क्या डिज़ास्टर्स आने वाले हैं वो भी पता चल जाता था उनके मॉर्निंग फेस को देखकर ठीक है तो सुबह ही बच्चे अंदाज़ा लगा लेते थे कि भाई आज कैसा दिन जाने वाला है तो ही वॉज़ दैट काइंड ऑफ अ टीचर ठीक है अब अगेन इसकी जो राइम स्कीम है व्यू न्यू ए ए ट्रेस फेस बी बी ठीक है अब देखते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है पहली आती है इसमें एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या है सिवियर्स स्टर्न और आती है डेज डिज़ास्टर हाइपरबली हाइपरबली क्या है डिजास्टर कि दिन में क्या क्या डिज़ास्टर होने वाले हैं अब डेफिनेटली डिजास्टर तो नहीं होने वाले ना डिज़ास्टर इज अ वेरी बिग टर्म हाइपरबोली होता क्या है वेन यू आर एग्जैजरेटिंग समथिंग जब आप किसी चीज को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हो तब आप उसे कहते हो एग्जैजरेशन या हाइपर बली तो दिन के डिजास्टर तो उनके मॉर्निंग फेज पर झलकते थे दैट इज अग्जैजरेशन राइट सो वी कॉल इट हाइपर बली लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंड फुल वेल दे लाफ्ट विथ काउंटू फेटेड ग्ली एट ऑल हिस्स जोक्स और मेनी आर जोक हैड ही फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड कन्वेड द डिस्मल टाइडिंग वेन ही फ्राउंड अब बच्चे इतने चालाक थे वो जानते थे कि टीचर की किस बात पर हंसना है ठीक है तो बेशक और दूसरी बात क्या बताई गई है कि उनकी ह्यूमरस साइड ब्रिंग आउट की गई है इस टैंजा में कहता है कि बच्चे दिस... टीचर जो थे हमारे डिसिप्लिन थे काफ़ी काफ़ी uh, मतलब स्ट्रिक्ट uh, थे काफ़ी सिवियर थे काफ़ी यू नो सीरियस थे लेकिन वो कभी कभी ह्यूमरस भी हो जाते थे कभी कभी जोक्स भी क्रैक करते थे लेकिन बच्चे इतने चालू थे वो प्रिटेंड करते थे कि हाँ भाई हाँ काउंटर ग्ली मतलब दिखाते थे कि हाँ सर क्या मजाक की बात कर दिया आपने वेरी फनी बट एक्चुअली दे वर नॉट रियली यू नो लाफिंग एट हिज जोक्स दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग टू लाफ राइट दे टू गिगल when uh, he whenever he cracked a joke, right? और फिर वो उसके बाद बिजी विस्पर काना फूसी करके धीरे से बोल कर आपस में इकट्ठे होकर सर्कल करके इकट्ठे होकर एक दूसरे को uh, शो कर देते थे कि आज यार सर का मूड बहुत बुरा है आज उनका बहुत तेज़ गुस्सा है तो इसलिए थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाओ तो पूरी क्लास को आपस में बता दिया जाता था कि आज कैसा दिन जाने वाला है राइट right? ओके okay. तो अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच पहली बात राइम स्कीम अगेन इट इज़ ए ए बी बी ग्ली ही राउंड फ्राउंड ठीक है ओके नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें एलिट्रेशन हैड ही और इसमें एक रेपिटेशन भी आ रहा है जैसे फुल वेल फुल वेल नेक्स्ट इज yet he was kind or if severe in art the love he bore to learning was in fault the village all declared how much he knew it was certain he could write and suffer, and cipher too फिर भी फिर भी कहा जा रहा है कि overall personality जो थी teacher की बेशक वो बहुत गुस्से में रहते थे स्ट्रिक्ट थे सीरियस रहते थे क्रैक्स जोक्स भी क्रैक करते थे लेकिन उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी वो एक काइंड और कंपैशनेट आदमी की थी कि ओवरऑल वो एक अच्छे आदमी थे भले आदमी थे ठीक है सो ही इज अ बेसिकली अ गुड मैन राइट बेशक वो कितना ही सिवियर है किसी भी तरह से कितना ही किसी भी प्रकार से ऑट इज किसी भी प्रकार से द लव ही बो टू लर्निंग वॉज इन्फॉल्व मतलब उनका जो पैशन था वो लव फॉर नॉलेज था कि वो कितने ज्यादा पैशनेट हैं जानने के लिए चीजों के लिए तो हर चीज में उनको कुछ लर्निंग ही नजर आती थी और जो पूरा गांव था वो जानता था कि उनको कितना पता है उनकी एक्सटेंसिव नॉलेज कितनी ज्यादा है और इससे पता चलता है ताकि उनको तो सबसे ज्यादा पता है क्योंकि कोई भी चीज उनको सब कुछ आता था कि चाहे वो लिखने की बात हो चाहे वो मैथ्स की बात हो चाहे कैलकुलेशन हो चाहे रीडिंग हो चाहे नंबर्स हो एवरीथिंग वॉज गुड एट एवरी थिंग देखोगे तो ऑट फॉल्ट न्यू टू नेक्स्ट स्टैंडा स्टैंडा नंबर फाइव इट सेज ही कुड मेजर टर्म्स एंड टाइड्स प्रोसेज एंड इवन द स्टोरी रन दैट ही कुड गेज इन आर टू द पर्सन ओन्ड द स्किल फॉर इवन दो बैंक ही कुड आर्क यू स्टिल अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि वो लिख भी सकते थे हिसाब भी लगा सकते थे उसकी आगे और ज़्यादा स्किल्स के बारे में बात की गई है कि उनको ऐसी एबिलिटी थी उनके अंदर ऐसी स्किल था कि वो भविष्य को भी बता पाते थे ही कुड टेल ही कुड फोरकास्ट वेदर कि आज टाइट्स किस फ्लो में बहेंगी क्या वेदर का फोरकास्ट होने वाला है और ऐसा लगता था कि वो किसी एरिया को बिना नापे ही बता सकते थे कि इसका क्या एरिया होगा किस किसी जगह को बिना देखे बिना यू नो एक्चुअली मेजर किए वो उसका एक रफ़ कैलकुलेशन कर सकते थे राइट एंड इन आर्ग्यूइंग टू तो वो आर्ग्यू भी लॉजिकली कर सकते थे बेशक कोई डिबेट की बात हो तो लॉजिकल रीजनिंग से वो लोगों को समझा पाते थे कोई भी पर्सन हो और ये तो बात उन्होंने खुद ही मान ली थी कि हाँ ये ये बात शायद मेरे अंदर है ये बात में मुझे पता है कि मैं आर्ग्यू अच्छे से कर सकता हूँ मैं किसी को अच्छे से समझा सकता हूँ फॉर इवन दो दैंकुस्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल बेशक वो हार रहे हों लेकिन फिर भी वो आर्ग्यू कर सकते थे सो ही कुड एंगेज विद द लोकल पीपल एंड लोकल पीपल भी उनको हाईली रिगार्ड करते थे Ki uh, this person is a learned man, right? And the last answer says, "While words of learned length and thundering sound amazed the gazing rustic strang around. And still they gazed and still the wonder grew. That one small head could carry all he knew. Ab last me villagers ki they were awestruck by the teacher. And he used to द पोएट इज़ सेंग जो मेरे टीचर थे वो अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से अपने वर्ड से अपनी बातों से लोगों को कैसे इम्प्रेस किया करते थे कैसे उनके uh, शब्दों में जान होती थी इमोटिव लैंग्वेज होती थी एंड ही कुड आर्ग्यू सो वेल ही कुड एक्सप्लन थिंग्स सो इजिली दैट पीपल वुड अंडरस्टैंड एवरी थिंग इन वेरी इजिली ठीक है तो उनके क्या थे उनके वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ वो कितना ज़्यादा जानते थे और उनकी वॉइस में कितनी क्लैरिटी थी कितना इमोट कर पाते थे अपने इमोशंस कितने दिखा पाते थे तो लोग एक टक होकर रस्टिक्स मतलब जो विलेजर्स थे गांव के लोग थे देहाती तो वो लोग उनके चारों तरफ खड़े हो जाते थे देखते थे कि किस तरह से बोल रहे हैं और देखते ही रह जाते थे उनको एक टक एंड स्टिल दे गेस्ट गेस्ट मतलब देखते रहते थे एंड स्टिल द वंडर ग्रू मतलब वो हमेशा आश्चर्यचकित रहते दे वो पॉप्लेक्स देवर सो बैफल्ड कितने छोटे से दिमाग में इतने छोटे से हेड में ये इतना सारा कुछ कैसे कैरी कर सकते हैं इतना सारा इतने छोटे से माइंड में ये इतनी नॉलेज कैसे रख सकते हैं एंड येट ही वज सो ही वज सो काइंड ही वज सो कम्पैशनेट ही वज सो लविंग ही वज सो केयरिंग एंड ही वुड ही वुड बी सो ह्यूमरस